संसद का बजट सेशन आज यानी मंगलवार 31 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे शुरू हो चुका है। सुबह संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 को पेश किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के तुरंत बाद वित्त मंत्री जो कि इस वक्त निर्मला सीतारमण है, इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश करते हैं। संसद में वित्त मंत्री के आर्थिक समीक्षा पेश करने के बाद करीब 2 बजे दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वह आर्थिक समीक्षा की बारीकियों को उजागर किया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे आखिर होता क्या है। इकोनॉमी की स्थिति की जानकारी देने और नीतिगत नुस्खे सुझाने के लिए केंद्रीय बजट से पहले संसद में आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। इसे आसान शब्दों में समझें तो आर्थिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का लेखा जोखा होता है। सरकार इस दस्तावेज के जरिए ये बताती है कि देश की इकोनॉमी किस स्थिति में है, सरकार की योजनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, पूरे साल डेवलपमेंट का क्या ट्रेंड रहा, किस क्षेत्र में कितना निवेश हुआ, योजनाओं को किस तरह अमल में लाया गया आदि। बजट से एक दिन पहले आने वाली आर्थिक समीक्षा में यानी इकोनॉमिक सर्वे में सबकी नजर जिन पर होती है उनमें से एक है अगले फाइनेंशियल ईयर का GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अनुमान। कौन तैयार करता है इकोनॉमिक सर्वे? तो इकोनॉमिक सर्वे मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA के नेतृत्व में वाली टीम द्वारा तैयार किया जाता है। इस टीम में CEA के साथ वित्त और आर्थिक मामलों के जानकार शामिल रहते हैं। सरकार ने अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन को हाल ही में नया CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया है। उन्होंने KV सुब्रमण्यम की जगह ली है जिनका 3 वर्ष का कार्यकाल दिसंबर 2021 में पूरा हो गया था। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।